दोस्तों, मैं हूं निधि सिंह और अब जुड़ रहे हैं रबजी लाइव न्यूज के साथ। बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। एक बार फिर बिहार में अपराधियों ने बैंक को निशाना बनाया है। मामला जमुई जिला अंतर्गत चकाई प्रखंड बाजार स्थित SBI बैंक शाखा चकाई से जुड़ा हुआ है, जहां मंगलवार को दिन दहाड़े बेखौफ 5 हथियारबंद अपराधियों ने चकाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में धावा बोलते हुए दिन दहाड़े 12 लाख के जेवरात सहित 4 लाख रुपए की लूट की हैं। मंगलवार को बैंक के खुलते ही 5 बदमाश बैंक के अंदर घुस गए। सभी ने हथियार के बल पर बैंक कर्मियों को गन पॉइंट पर लेकर बैंक कर्मियों और ग्राहकों को एक ओर खड़ा कर दिया और बैंक में रखे 12 लाख के जेवरात और साथ में लगभग 4 लाख रुपए लेकर वहां से फरार हो गए। अचरज की बात तो यह है कि महज 500 मीटर की दूरी पर चकाई थाना की अवस्थिति है। जी हाँ दोस्तों, इसके बावजूद भी बैंक डकैती की घटना को अंजाम देकर अपराधी वहां से बाइक लेकर फरार होते हुए नजर आए। लेकिन इस बात का अंदाजा बैंक के बाहर आते जाते लोग ही, आसपास के दुकान के लोगों को भी नहीं हुई। जी आप सोच सकते हैं। और बताया यह भी जाता है कि 5 हथियार बंद लुटेरे बैंक खुलते ही घुसे और कैश काउंटर के पास पहुंचे, हथियार दिखाकर कैश एवं जेवरात लेकर वहां से फरार हो गए। इस दौरान लुटेरे ने शाखा के कर्मियों एवं ग्राहकों का मोबाइल अपने कब्जे में लेकर बैंक कर्मियों के साथ मारपीट भी की है। जो है दोस्तों, बैंक कर्मियों और मौजूद ग्राहकों के साथ लुटेरों ने मारपीट भी किया और 2 बाइक पर सवार होकर आए 5 अपराधियों ने पूरी घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद चकाई थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। और अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार हम आपको बता दें कि 2 बाइक पर सवार 5 डकैतों ने इस घटना को अंजाम दिया है और पुलिस बैंक व सड़क मार्ग पर लगे CCTV कैमरे का फुटेज के आधार पर लुटेरों की पहचान में पुलिस प्रशासन वहां पे आसपास के लोग जुटे हुए हैं और वही लुटेरों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम देकर जमुई पुलिस को एक बहुत बड़ी चेतावनी दे डाली है। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन कितने घंटे में ये लुटेरों को सामने लाकर रखती है और जैसे ही सामने लाकर रखेगी हम आपको उसकी भी हर एक अपडेट देखते हुए आए हैं और आगे भी देंगे। तो फिलहाल यह रिपोर्ट यही तक थी और अब दीजिए मुझे इजाजत। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल रबजी लाइव न्यूज के साथ। धन्यवाद।